If you are born in a king's family as a prince, is it your achievement? If your father is a rich man and your mother is a lecturer, is it your achievement? If you are born in high prestigious caste, is it your achievement? No, because all of these are attributal things. All of these things are attributed to you because of the king, parents, and the high caste. Hello and welcome you all in this book reading session. Today we will discuss about a fantastic story of a three animals who talk about their extraordinary glorified past. Why they argue with each other? Let's discuss it in our story. Camel, bull and ram. Ram कहते हैं male sheep को, उर्दू में इसे मेंढा कहते हैं. For days, कई दिनों तक a starving camel. Starve करने का मतलब होता है भूखा रहना, फाका कशी करना, dying from hunger और lack of food. कई दिनों तक एक भूखा प्यासा ऊंट, a bull, एक बैल and a ram, एक मेंढा, had roamed the prairie. Prairie का मतलब होता है वसी और रेज घास का मैदान, जहाँ पे कोई दरख्त ना हो, जहाँ पे जो है ना वो भेड़ों को या बकरियों को या गाय को चरने के लिए लेके जाया जाता है. एक बड़ा ग्रास लैंड या मेडोज भी इसे कहते हैं. रोम का मतलब होता है बेमकसद फिरना, ठीक है, रेम्बल करना. अब वहाँ पे ये कह रहे हैं कई दिनों तक एक भूखा प्यासा ऊंट, बैल और एक मेंढा ये एक सब्ज़ादार में घूमते रहे, लुकिंग फॉर एनीथिंग ईट ग्रीन टू ईट, ताकि उनको कुछ खाने को मिल जाए, सब्ज़ खाने को मिल जाए, क्योंकि आपको पता है ये तीनों चीज़ें घास खाते हैं. अब वो एक वसी और रीज एक मैदान में चले गए, वहाँ पे जो है ना उन वो कुछ सब्ज़ खाने को जो है ना वो ढूंढते रहे, कोई पे घास मिल जाए उनको खाने के लिए, लेकिन उनको नहीं मिले. बट दे हैड नॉट सक्सीडेड इन फाइंडिंग अ सिंगल मॉर्सल. मॉर्सल का मतलब होता है नवाला, बाइट. अब वो कहते हैं कि वो किसी ऐसे मैदान में चले गए थे, किसी ऐसे परीरे में चले गए थे जहाँ पे कोई भी घास नहीं थी, और कई दिन तक वो बेचारे भूखे प्यासे ये तीनों रहे. कौन? अ कैमल, बुल एंड रैम. और इतने ज़्यादा वो वीरान मैदान था जहाँ पे कोई खाने का एक नवाला तक नहीं मिल रहा था. द थ्री केप्ट ईच अदर्स कंपनी एज द कंटिन्यूड देयर सर्च फॉर फूड. वो तीनों ने आपस में ये तय कर लिया था कि वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, ताकि वो आपस में उनको एक खाना ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि जब आप मिल के काम करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है. तो उन्होंने सोचा कि हम लोग मिलजुल के जो है ना वो इकट्ठे रहेंगे, ताकि हम लोगों को खाना भी जल्दी मिलेगा. होपिंग दैट बाई स्टिकिंग टू ईच अदर दे माइट हैव अ बेटर चांस. उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लोग साथ साथ रहेंगे तो शायद हम लोगों को किसी अच्छी जगह खाना खाने को मिल जाएगा. जैसे कि कलेक्टिव एफर्ट करने का वो सोच रहे थे कि शायद हम लोग कलेक्टिवली जब एफर्ट करेंगे तो हमें कहीं पे ज़्यादा अच्छा खाने को मिल जाएगा. दिस सर्च्ड अंडर एवरी रॉक एंड स्निफ्ड ईच ड्राई बुश दैट दे थॉट माइट बियर एन एडिबल सरप्राइज. एडिबल का मतलब होता है लजीज, सेफ टू ईट, जो चीज़ खाने के काबिल हो. कहते हैं जब वो सर्च कर रहे थे उस खाली मैदान में, उन्होंने हर जो है वो पहाड़ी को देख लिया, हर उस खुश्क जो है ना वो जड़ी बूटी को देखा, उसको सूंघा, जिसमें से शायद उन्हें लगता था शायद कुछ खाने को उनको वहाँ पे हैरानगी के साथ मिल जाए. अनटिल फाइनली दे फाउंड अ स्मॉल बिट ऑफ विल्टरिंग ग्रास. और कहते हैं ढूंढते रहे वो, काफ़ी कोशिश करते रहे, कहीं नहीं मिले, और आखिर में उनको एक चीज़ मिली. वो क्या थी? विल्टरिंग ग्रास. विल्टर का मतलब होता है मुरझा जाना, सैग. कहते एक मुरझाई हुई घास का उनको छोटा सा एक किता मिला, एक छोटा सा एक टुकड़ा मिला जहाँ पे घास मुरझाई हुई थी. अब वो खाना तो खाना चाह रहे थे. ये ऐसी है जैसे हम लोग हैं कि खाना अगर ताज़ा बना हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अगर बासी हो तो शायद उसको इतने इंटरेस्ट के साथ वो हम लोग नहीं खाएंगे. लेकिन अब यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था, तो हम लोग भी, इंसान भी यही करते हैं कि अगर वो जो है खाना बासी भी है, एक दो दिन पहले का भी बना, हम लोग खा जाते हैं अगर हमें शदीद भूख लगी हो. इसी तरह वो तीनों जो हैं वो जो जानवर हैं उनको शदीद भूख लगी हुई थी, तो वो विल्टरिंग ग्रास भी खाने को तैयार हो गए. दे वर ओवरजॉयड. वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि लाजम आता है इतने दिनों बाद उन्हें कुछ खाने को मिल रहा था. होपिंग टू फीड देयर एम्प्टी स्टोमिक्स एज लास्ट. और कहते हैं कि आखिरकार उनको जो है वो अपने मैदे भरने के लिए, खाली मैदे भरने के लिए कुछ ना कुछ मिल गया था उनको.
एल्बिट विद अ मीगर प्राइस। एल्बिट का मतलब क्या होता है? अगरचे के। ऑल दो। मीगर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, बड़ा कमज़ोर सा, लागर सा। कहते हैं अगरचे के, वो बेशक थोड़ा सा एक जो है वो एक प्राइस है, एक तोहफा उनको मिला है, एक बड़ा लागर किस्म का, बड़ा कम किस्म का एक तोहफा मिला, लेकिन चलो कुछ खाने को तो मिला ना। दिस बिट ऑफ ग्रास इज नॉट गोइंग टू सफाइस फॉर द थ्री ऑफ अस इफ वी शेयर इट। None of us will satisfy our hunger with this, the ram said as he pointed toward the grass with his nose. कहते हैं जैसे ही उस मेंढे ने, जैसे ही उस मेल शीप ने जो है वो अपनी नाक से उस घास को सूंघा, उसने कहा ये जो घास है ये हम तीनों के लिए मुकम्मल नहीं होगा, ये घास हम तीनों नहीं खा सकते पेट भर के। None of us will satisfy our hunger with this, और हम में से तीनों जो हैं वो उनकी भूख इससे नहीं मिट सकती। I have an idea though. कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, अगर उस आइडिया पे अमल करें तो शायद हम लोगों का पेट भर जाए। Why don't we let the oldest of us to feed on it? कहते हैं ऐसा करते हैं, मेरे पास आइडिया कि हम में से जो सबसे पुराना है, जो सबसे ओल्डेस्ट है, उससे हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट का एक पैरा वर्ड जो आप लोग अमूमन पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। एल्डर का मतलब होता है बड़ा होना किसी एक तरतीब में, और ओल्डर का मतलब होता है पुराना होना। तो कहते हैं जो हम में एल्डर नहीं, हम में जो सबसे ओल्डर है, जो हम में सबसे पुराना होगा वो खाएगा। बिकॉज रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बड़ों की इज़्ज़त करना ही हमारी ज़िंदगी का जो एक जो है वो फरीज़ा है। ये तो इंसानों में भी हम लोग ये बात करते हैं, हर जगह पे होता है, जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, ये हमारे उनके कुछ हकूक़ हैं बड़ों के, जो रिस्पेक्ट करना जिसमें उसका सबसे पहला हक है। तो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़ों की इज़्ज़त करना सबसे पहला, तो गाना वो गाएगा जो हम में सबसे पुराना है। सो लेट्स ईच ऑफ अस टेल हिज एज। कहते हैं तो फिर ऐसा करते हैं हम लोग अपनी अपनी उम्र बताते हैं, जो हम में सबसे पुराना हुआ वो ये गाना खा लेगा। इमीडिएटली उसी वक्त, अचानक से, आफ्टर ही हैड अनाउंस्ड हिज प्लान, और कहते हैं कि जिस वक्त उसने जो है वो अपना प्लान जो है वो अपना मनसूबा उनके साथ शेयर किया था, रैम वॉलंटियर्ड हिज एज, और कहते हैं कि वो जो मेंढा था उसने खुद से ही अपनी जो है ना वो सबसे पहले अपनी उम्र बताने का सोचा। आई एम द ट्विन ब्रदर, अब वो बता रहा है कि मैं कितना पुराना हूँ। आई एम द ट्विन ब्रदर ऑफ द रैम दैट द प्रॉफिट इब्राहिम सेक्रीफाइज इंस्टेड ऑफ हिज सन इस्माइल। अब वो कहता है कि मैं उस मेंढे का जुड़वा भाई हूँ जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की जगह, इस्माइल की जगह वो इस दुनिया में आया था। कहता है मैं उस मेंढे का जुड़वा भाई हूँ, यानी कि वो अपना बता रहा है मैं कितना पुराना, क्योंकि हज़रत इब्राहिम का जो ज़माना है वो काफ़ी ज़्यादा 2 से 3 हज़ार BC का ज़माना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो वो उसने कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा पुराना हूँ। अब हम देखते हैं कि वो जो बुल है उसने क्या कहा। I am the husband of the cow that Adam used to plow the fields after he was expelled from the paradise, said the bull in turn. और जब उस बैल की बारी आई तो उस बैल ने कहा कि मैं उस गाय का हस्बैंड हूँ, मैं उस गाय का हावंद हूँ जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकाले गए थे, तो वो जब इस दुनिया में आके जब उन्होंने ज़रात की थी, जब उन्होंने खेती बाड़ी की थी, तो वो जो एक काओ थी मैं उसका हस्बैंड हूँ। यानी कि हज़रत पहले ने कहा कि मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो है ना वो रैम जो है वो उसका ट्विन ब्रदर हूँ, तो ये उसने अपनी बात की। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आपको पता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पुराने नबी हैं और सबसे पहले इंसान हैं जो इस दुनिया में आए थे, तो वो उसने उससे भी पुरानी एक बात की कि वो बोल कहते हैं कि तुम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात करते हो, मैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हूँ। तो यानी उसने बताया कि मैं कितना पुराना हूँ। When the camel heard them lie so bluntly, अब lie झूठ बोलना, bluntly का मतलब क्या होता है? bluntly का मतलब था वाजे तौर पे, ठीक है। अब वो कहते हैं जब उस ऊँट ने सुना कि वो कितनी बेबाकी के साथ झूठ बोले, ये यानी ये ऊपर वाली जो बात उन्होंने की है कतई तौर पे झूठ की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब ऊँट ने ये सुना कि वो झूठ कितनी बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, ही बेंट डाउन, वो नीचे झुका, एंड पुल्ड आउट द ग्रास विथ हिज माइटी थी, और उसने वो जो घास है उसको जो है अपने ताकतवर दांतों के साथ उसने उनसे चुग लिया। इट्स ऑब्वियस दैट बींग एज अ टॉल एज अ कैपेबल एज आई हैव नो नीड टू बी एंशियंट लाइक यू टू ईट। अब वो कहता है कि ये क्योंकि वाजह है, ऑब्वियस है कि मैं आप सब में से
कद्दावर हूँ, मैं आप में सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, और मुझे आप जैसी कोई झूठी कहानी नहीं चाहिए अपने पुराने एंशेंट की कि मैं वो खाना खा सकूँ। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे अगर एक इंग्लिश सीजन का याद आ गया कि जिसके अंदर वो एक एक्टर कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, और उसके रिलेटेड वो जो दूसरा होता है वो उसको सीज़ कर लेता है और कहता है कि पावर इज़ पावर, असल में जो ताकत है वही असल ताकत होती है, जो पावर होती है। तो यहाँ पे वो जो ऊँट है वो कहता है मैं क्योंकि टॉल हूँ, मैं क्योंकि कैपेबल हूँ, मैं आप में ज़्यादा ज़हीन हूँ, आप में ज़्यादा सेहतमंद हूँ, आपसे ज़्यादा कद्दावर हूँ, तो ये खाना मेरा हक है। मैं आपकी तरह झूठी झूठी कहानियाँ नहीं बना रहा कि मैं पुराने ज़माने में ऐसा था वैसा था, मैं क्योंकि ताकतवर हूँ, मैं मेरा ये हक है मैं ये खाऊँ। इस सेट उसने कहा नॉट वेस्टिंग अनदर मोमेंट एज ए पेशेंटली च्यूर्ड द डिलेक्टेबल व्हीट। डिलेक्टेबल का मतलब होता है खुश जायका, डिलीशियस, फ्लेवरेबल। वीड का मतलब था घास फूस, वो जो उनको जो हेम्प मिली थी वहाँ पे, जो हर्ब मिली थी वो उसके मुताबिक, और कहते हैं कि वो उसने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अनतहाई मज़े के साथ उसने वो डिलेक्टेबल यानी कि इंतहाई मज़ेदार खुश जायका किस्म की जो है ना वो घास को खाते हुए कहा कि मुझे तुम लोगों की इतना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि तुम में ताकतवर हूँ, कदावर हूँ, तो ये मेरा हक बनता है। टीचिंग दैम बोथ एन इनवेल्यूएबल लेसन, और इस तरीके से उसने उन्हें इनवेल्यूएबल का मतलब होता है बेहतरीन, अनमोल, वाइटल, क्रिटिकल, इस तरीके से उसने उन दोनों को एक सबक सिखाया, एक अनमोल सबक सिखाया। इसमें पहला सबक हम लोगों को ये मिलता है कि ज़्यादा अक्लमंद भी नहीं बनना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वो उस मेंढा जो है वो कहता है जी चलें अक्लमंद बनने की कोशिश की ज़्यादा कि आप जो है हम में से जो सबसे पुराना होगा वो उसको खा जाएगा। तो वो इस तरीके से जब हम लोग बात करते हैं कुछ जगह होती है जहाँ पे आप अपनी अक्ल अपनी इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ करते हैं और आप जो है ना वो कामयाब होते हैं, लेकिन हर जगह बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं बनना चाहिए, अक्लमंद बहुत ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। सेकंड इसमें हम लोग जो बात करते हैं वो ये है द पास्ट इज़ अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको दोबारा से सुनिएगा। द पास्ट इज़ अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि वो उसको हवाले के तौर पे तो याद रख सकते हैं लेकिन ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी उसी जो है ना वो पुराने माजी को लेके आप बैठे रहें और आप रोते रहें। जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि माजी के मुतालिक बता रहे थे हम इतने ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है, हमने इन जो है ना प्रॉफिट्स के ज़माने में भी ज़िंदगी गुजारी है, तो ऑल दो वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन ये चीज़ हमारे यहाँ के सोसाइटी के साथ भी रिलेट करती है कि मैक्सिमम आपने देखा होगा कोई भी सिविलाइजेशन है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, कोई भी रेशियल कम्युनिटी है, तो जब कभी हम की बात इनकी बात करते हैं तो आपने देखा किसी न किसी ज़माने में तो ये पीक पे रहे हैं, लेकिन आजकल शायद वो आपको पीक पे ना मिले। तो ये कोई एक पॉइंट ऑफ जो है वो रेफरेंस ज़रूर हो सकता है लेकिन प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो नहीं है कि आप वो रोते रहे और वो पुरानी बातों को याद करते रहे कि एक ज़माने में हम लोग जो है ना पूरी दुनिया के हाकम थे, एक ज़माने में था, एक ज़माने में वाकई ये बात वैलिड थी, लेकिन आप देखें अब आप लोग क्या हैं। इसको एक मैं मिसाल से आपको समझा देता हूँ। कहते हैं कि एक मरतबा एक बच्चा था, वो जब उसको स्कूल में दाखिल कराया पहली दूसरी क्लास में, तो दूसरी क्लास में उसकी पहली पोजीशन है, बड़े खुश हुए वाले साहब ने पूरे जो है वो कस्बे के अंदर मिठाइयाँ बांटी कि मेरे बेटे की दूसरी पोजीशन आई है। वो बच्चा पढ़ता रहा, तीसरी चौथी करता रहा, जब वो मैट्रिक में गया उसके बोर्ड के इम्तहान आए तो वो उसमें फ़ेल हो गया। अब वो बच्चा जब अपने बाप के पास आया तो बाप बड़े गुस्से में था, तो बच्चे ने अपने वाले साहब को कहा, कहते हैं कि अबू आप भूल गए, अब मेरी दसवीं में सप्ली आई है तो आप भूल गए कि दूसरी क्लास में मेरी पहली पोजीशन आई थी। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा वो दूसरी क्लास की बात थी, वो पुरानी बात है, अब जो है ना मैं तुमसे अभी तुम्हारी करंट पोजीशन पूछ रहा हूँ, तुम्हारी करंट वैल्यू पूछ रहा हूँ, और अभी तुम दसवीं में तुम्हारी सप्ली है। लेकिन वो बच्चा बार बार इंसिस्ट करता है कि नहीं जी देखें कि मैंने दूसरी क्लास में तो पहली पोजीशन ली थी। तो उसका वालिद उसे समझाता है कि बेटा वो तब की बात थी और अब की बात ये है कि तुम फेल हो चुके हो, तुम एक लूज़र हो चुके हो। तो यहाँ पे यही बात, यहाँ पे भी मैं रेफरेंस आपको कोट करूँगा कि हम शायद किसी ज़माने में, हम पुराने ज़माने में किसी टाइप पर ग्लोरीफाइड होंगे, हर कम्यूनिटी होती रही है, लेकिन हमें वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाना चाहिए, हमें वो पॉइंट ऑफ रेजिडेंस नहीं बनानी चाहिए कि हम उसी में वो पुरानी बातों को याद करके रोते रहें और आज के ज़माने में कोई एफर्ट ना करें। बात यह है कि आज के ज़माने के लिहाज से हमें कोई एफर्ट करनी चाहिए, आज के ज़माने के लिहाज से हमें टेक्नोलॉजी पे, हमें साइंस में ग्रिप रखनी चाहिए ताकि हम लोग दे सकें कि हम भी उन लोगों जैसे बने जो आज के ज़माने के लिहाज से ग्लोरीफाइड हैं, आज के ज़माने से इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा इसमें हम लोग एक और बात करेंगे कि लाइफ टीचेस अस लेसन, इट इज़ अपॉन अस टू लर्न इट
और टू फॉरगेट इट और टू मेक मिस्टेक्स अगेन। तो ये लाइफ है जो हमें लेसन देती है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बेहतर से बेहतर की तरफ चलते जाएं, क्योंकि इलामा इकबाल का एक शेर है कि खोल के आंखें मेरे आने एक गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर दे। तो ये हमें लाइफ बताती है कि या तो हमने पास्ट को देखना है, उसी में रहना है, या हमने उस पास्ट को एक फाउंडेशन बना के हमने फ्यूचर के लिए तैयारी करनी है, एक मुस्तकबिल के लिए तैयारी करनी है। और अगर हम अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा कर लेंगे, इतना ज़्यादा बेहतर कर लेंगे, तो शायद वो ज़माना भी आ जाए जहाँ पे अगेन इलामा इकबाल का एक शेर हम लोग लगा सकते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सो आई होप कि इंशाल्लाह ताला जो आप जो सुनने वाले हैं उनको भी इससे एक वैल्यूएबल लेसन मिला होगा इस स्टोरी से। तो यहाँ पे हम इस स्टोरी का एंड करते हैं और अब हम वोकैबुलरी की तरफ चलते हैं। Thank you for watching this video.